अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्ला खान। आज हमारा टॉपिक है किस हवाले से, सिंबल्स के हवाले से। एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो लेटर्स इस्तेमाल की जाती हैं, इन्हें हम सिंबल्स कहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एग्जांपल में आ रहा है क्या चीज़, आप देखें, एक एलिमेंट हमारे पास है, नाम इसका है हाइड्रोजन, नाम इसका है हाइड्रोजन। एक एलिमेंट हमारे पास है, नाम इसका है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसके अलावा जनाब अली, हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट है जिसका नाम हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन। लेट मी क्लियर स्पेलिंग, क्लोरीन। कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले डिस्कवर हो चुके हैं, जो ग्रीक पीरियड में डिस्कवर हो चुके थे, जैसे हमारे पास है नेट्रियम या खेलियम। मैं यहाँ लिखूंगा खेलियम, केलियम है। केलियम को असल में हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम नाम देंगे पोटाशियम, पोटाशियम नाम देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, पोटाशियम। लेट मी क्लियर स्पेलिंग, ये है पोटाशियम, पोटाशियम, ठीक है। अब देखें, हाइड्रोजन को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, हाइड्रोजन से। एल्युमिनियम को जो सिंबल्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Al से। क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, किस चीज़ से, Cl से। पोटाशियम जो केलियम है, इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से, K से। आप देखें, ये जो हमारे पास नाम है, इन तमाम नामों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल्स इस्तेमाल की गई। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होती है, वो हमारे पास ये है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम H इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम के लिए हम Al, क्लोरीन के लिए हम हमारे पास Cl, और केलियम के लिए हम पोटाशियम के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, K है। तो मैं ये कह सकता हूँ जनाब अली, हमारे पास सिंबल्स क्या होते हैं, शॉर्ट अब्रिवेशनल नेम है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हो, एलिमेंट्स को। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, लेट्स मी डिफाइन अ शॉर्ट अब्रिवेशनल नेम्स used to represent, let me clear spelling, represents the elements, क्या कहलाएगा, is called symbol कहलाएगा। सिंबल क्या चीज़ है, एक छोटा सा हमारे पास एब्रिवेशनल नेम है, क्या नेम है, एब्रिवेशनल नेम है, जो क्या करता है, जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, जो रिप्रेजेंट करता है सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिंबल्स कहलाएंगे। अब इस सिंबल्स के लिए हमारे पास चार स्टेप्स होते हैं, चार किस्म हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, हम एलिमेंट्स को चार स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, देखें, जिनका हमारे पास पहला ही लेटर इसका सिंबल बनता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर हमारे पास सिंबल बनता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट एंड एनी अदर हमारे पास सिंबल बनता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रीक पीरियड में डिस्कवर हो चुके हैं, जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, सही है, तो उनके लिए हम उसी लैटिन वर्ड के लेटर्स जब होते हैं वो हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब जनाब अली, हमारे पास क्या है, सिंबल्स के बारे में यहां आपको बता दूं, ये जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स, इसका एक स्टेप तो ये है, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है जिनके हमारे पास सिंबल्स बनाए गए हैं, इनके इंग्लिश लेटर्स से बनाए गए हैं, इनके इंग्लिश नेम से बनाए गए हैं, यानी मैं लिखूँ ऐसे एलिमेंट्स जिसके सिंबल्स को ड्राइव कर दिया गया है इनके इंग्लिश नेम से। यहाँ लिखूँ इंग्लिश, हमारे पास दोज एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स हम लिखें एलिमेंट्स वोज symbols are derived from their
इंग्लिश नेम्स, जिनकी इंग्लिश नेम से इनका सिंबल्स ड्राइव किया गया, ठीक है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं फर्ज करें वो हमारे पास जो है यहां पे लिखेंगे उनकी एग्जांपल में, वो हमारे पास है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसके अलावा हमारे पास है कार्बन, सही, और इसके अलावा कुछ हमारे पास है आयोडीन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है फॉर एग्जांपल, ये आयोडीन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बोरोन है, सही। कुछ हम लोग फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन सल्फर, ये फर्ज करें हमारे पास है नाइट्रोजन है, ये जनाब अली हमारे पास सल्फर है। और कुछ और एग्जांपल्स जैसे हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, ये लिखेंगे जनाब अली ऑक्सीजन, ये जनाब अली हमारे पास है फ्लोरीन, और ये जनाब अली हमारे पास है फास्फोरस, ठीक है। अब आप देखें ये हाइड्रोजन इंग्लिश नेम है, सही है, हाइड्रोजन एलिमेंट का, बोरोन है, ऑक्सीजन है, इन तमाम की तमाम का जो सिंबल्स हैं वो इसका सिंबल हाइड्रोजन है, इसका सिंबल बी है यानी एच है, इसका बी है, इसका ओ है, इसका सिंबल सी है, इसका सिंबल एन है, इसका सिंबल एफ है, इसका सिंबल आई है, इसका सिंबल एस है, इसका सिंबल पी है, ठीक है। तो मैं लिखूं इसका सिंबल क्या चीज है, एच है, एच रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एलिमेंट को, इसका सिंबल बी है, बी रिप्रेजेंट करता है बोरोन को, ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन का सिंबल सी है, रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, नाइट्रोजन का सिंबल एन है, रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को, फ्लोरीन का सिंबल एफ है, रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन को, आयोडीन का सिंबल आई है, रिप्रेजेंट करता है आयोडीन को, सल्फर का सिंबल एस है, रिप्रेजेंट करता है सल्फर को, और फास्फोरस को जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं इसके लिए पी है, रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, फास्फोरस को, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ये इनके सिंबल्स हो गए, क्या हो गए, इनके सिंबल्स हो गए। ये तो एक ऐसे एलिमेंट है जिनकी फर्स्ट लेटर से हमने इनके सिंबल बनाए, याद रखे अगर फर्स्ट लेटर आप लिखेंगे इनके तो वो क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास नेक्स्ट इसका जो स्टेप्स बनता है वो ये बनता है, ऐसे एलिमेंट जिसके सिंबल्स के लिए हम इनका फर्स्ट और इनका सेकंड लेटर जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं कहूं हमारे पास एलिमेंट्स वोज फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स जो हमारे पास लेटर्स हम इसके यूज करते हैं आर यूज्ड फ्रॉम दियर इंग्लिश नेम्स, इनका जो हमारे पास इंग्लिश नाम होता है इनके इंग्लिश नेम से हम इनका फर्स्ट और सेकेंड लेटर यूज करते हैं, कौन सा फर्स्ट और सेकेंड, याद रखें इनका फर्स्ट लेटर और इनका सेकेंड लेटर। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फर्ज करें यहां पे एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, नियोन है, अर्गोन है, कोबाल्ट है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, सारे हमारे पास क्या चीजें, ये भी एक ऐसे हमारे पास क्या चीजें एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं इनकी फर्स्ट और सेकेंड लेटर से। हम क्या लिखेंगे हमारे पास है लिथियम बेरिलियम, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा लिथियम, लिथियम हमारे पास है। इसके अलावा हम इसके लिए यूज करते हैं क्या चीज, बेरिलियम, क्या चीज, बेरिलियम। इसके अलावा हमारे पास है क्या चीज, एल्यूमिनियम, ये लिखेंगे जनाब अली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सही, सॉरी लेट मी क्लियर स्पेलिंग, क्या चीज, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारे पास है। जैसे हमारे पास है कैल्शियम है, सिलिकॉन है, लिखूंगा कैल्शियम, लिखूंगा सिलिकॉन, सही। इसके अलावा हमारे पास जो इसके नेम होते हैं वो क्या चीजें, नियोन है, निकल है, आर्गन है, चलो लिखेंगे नियोन, नियोन है, निकल है,
आर्गन है, एक और भी इसके लिखेंगे सही, जो फॉर एग्जांपल खैर जिनोन, चलो आपको बांट लिखे, ये हमारे पास कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक। अगर आप देखें, अगर आप देखें इसके अंदर सिंबल्स क्या क्या बने हैं, इसके अंदर जो लिथियम है ये एल है, ये आई, यानी इसका सिंबल एल आई है, कैल्शियम का सी ए, इसका सिंबल सी ए है, निकल का एन आई, इसका सिंबल एन आई है, बेरियम का बी ई, इसका सिंबल बी ई है, सिलिकॉन का एस आई, इसका सिंबल एस आई है, आर्गन का ए आर, इसका सिंबल ए आर है, एल्युमिनियम का ए एल, ये जनाब अली हमारे पास सिंबल ए एल है, नियॉन का एन ई, तो सिंबल हमारे पास एन ई है, कोबाल्ट का जनाब अली सी ओ, सिंबल हमारे पास सी ओ है, ठीक है। याद रखो इसमें, इसमें जब हम सिंबल्स देते हैं तो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, सेकंड होता है स्मॉल, आपने फर्स्ट इसमें हमेशा लिखना है कैपिटल, सेकंड क्या लिखना है आपने स्मॉल लिखना है। एक इसमें हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके फर्स्ट लेटर और कोई दूसरा हमारे पास जो लेटर होता है वो हम इसमें लिखते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्रोमियम है, रेबिडियम है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, सीजियम है, और भी हमारे पास क्या आते हैं इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। यानी मैं लिखूँ हमारे पास एलिमेंट्स हुज फर्स्ट एंड एनी अदर लेटर फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम, जिनकी फर्स्ट और या कोई दूसरा लेटर हम इनके इंग्लिश नेम से लेते हैं। तो तीसरा हमारे पास क्या है इनका, तीसरा हमारे पास जो स्टेप्स यहां पे लिखेंगे, हम लिखेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हुज फर्स्ट, जिसका पहला, एंड एनी अदर कोई नेक्स्ट विदाउट सेकेंड वन लेटर्स हमारे पास क्या हो, लेटर्स आर यूज्ड फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम। इनके इंग्लिश नेम से इनका फर्स्ट और कोई दूसरा हमारे पास कोई नेक्स्ट लेटर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है किस चीज का, क्लोरीन का, यहां एग्जांपल लिखूंगा आपके साथ क्लोरीन, क्लोरीन को लिखते हैं, ये हमारे पास आ रहा है क्लोरीन, क्लोरीन है, या एग्जांपल हमारे पास है क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम हम लिखेंगे सही है, क्रोमियम, या पर हमारे पास एग्जांपल है रुबिडियम, हम लिखेंगे यहां पे रुबिडियम सही, या पर एग्जांपल हमारे पास इसका एग्जांपल है कैडमियम, कैडमियम यहां लिखेंगे कैडमियम, कैडमियम, या इसका एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम, या इसका एग्जांपल हमारे पास है सीजियम। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट लेटर है और कोई नेक्स्ट लेटर है, यानी अगर देखें इसमें हमारे पास का सी है और एल है, ये आएगा सी एल, तो क्लोरीन इज अ सिंबल यूज फॉर दी क्लोरीन, हमारे पास सी ए डी, यानी इसमें हमारे पास सी और डी है, कैडमियम, इट मींस द सी डी इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट कैडमियम, और इसके अलावा हमारे पास क्रोमियम है, इसमें सी आर, सी आर क्या चीज है, सिंबल है किस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रोमियम के लिए, एम जी ये हमारे पास क्या चीज है, सिंबल है किस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नीशियम को, रिबिडियम का आर बी रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल किस चीज को, रिबिडियम को, सीजियम का सी एस ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, सीजियम को। ये तो हमारे पास तीन किस्म के सिंबल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, यानी हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं, एक ए सिंबल्स होते हैं जो इनकी फर्स्ट लेटर हम लेते हैं इंग्लिश नेम का, वो सारे हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल होंगे। एक हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर हम लेते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट एंड कोई अदर लेटर हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपके साथ ये चीज शेयर करूं, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ग्रीक पीरियड में डिस्कवर हुए थे, किस पीरियड में, ग्रीक पीरियड में, यानी इनको जब हम नाम देंगे वो लातिन लेटर से नाम देंगे। मैं आपसे कह सकता हूं एलिमेंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम देयर ग्रीक या लातिन वर्ड, हम यहां लिखेंगे। एक नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ इसका स्टेप है, मैं इसको नाम भी दूंगा, नंबरिंग दूंगा वन, ये हमारे पास आ गया टू, ये जनाब अली हमारे पास थ्री, ये हमारे पास आ रहे फोर, ठीक है।
ये फोर किस्म का हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फोर। ये क्या चीज है? एलिमेंट्स हम लिखेंगे, एलिमेंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम देयर ग्रीक लेटर्स या ग्रीक लैटिन। मैं लिखूंगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम देयर ग्रीक या लैटिन। हमारे पास लेटर से ये ड्राइव होते हैं, सही है। ये कैसे एलिमेंट्स हैं? यहां पे लिखूंगा एक इनका होता है इंग्लिश नेम, कौन सा नाम? एक इनका होता है इंग्लिश में, हम इसे किस नाम से पुकारते हैं? एक इसका इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम है। एक इसका लैटिन नेम है, सही है, लैटिन नेम है। और जनाब अली एक इसका हमारे पास सिंबल आता है, लैटिन नेम है। और एक इसका जनाब अली आता है सिंबल। एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास क्या चीज, जैसे हमारे पास एलिमेंट है गोल्ड। गोल्ड को हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे अर्म, सही है। गोल्ड यहां लिखेंगे जनाब अली, हमारे पास क्या है? गोल्ड। ये आ गया गोल्ड, ये इसका इंग्लिश नेम है। लैटिन नेम हमारे पास क्या है? ए यू आर यू एम, एर्म, सही है। इसका सिंबल क्या है? देखें ये लैटिन नेम है, लैटिन लैंग्वेज का नाम है, तो इसी वजह से हम इसका सिंबल देंगे ए यू का। यानी ए यू एक ऐसा लेटर है या हम लिखें ऐसा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को या एर्म को। या जैसे हमारे पास क्या चीज है? सिल्वर है। सिल्वर को हम शो करते हैं किस चीज से? अर्जेंटम से, सही है। इसको हम नाम देंगे अर्जेंटम, इनका ग्रीक नाम है। मैं यहां लिखूंगा जनाब अली, हमारे पास क्या है? सिल्वर। सिल्वर इसका जो ग्रीक पीरियड में डिस्कवर होने वाला जो लैटिन नेम है वो क्या चीज है? वो है अर्जेंटम। इसको हम शो करते हैं किस चीज से? इसको शो करते हैं ए जी, किस चीज से? ए जी से हम यूज करते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज है? मरकरी है, जिसको हम नाम देंगे हाइड्राजेरियम, सही है। मरकरी को हम कौन सा नाम देंगे? हाइड्राजेरियम। ये जनाब अली हमारे पास है मरकरी, मरकरी नाम देंगे हाइड्राजेरियम। ये हमारे पास क्या सिंबल इसका होगा? इसका सिंबल जनाब अली हमारे पास होगा हाइड्रोजन। और क्या चीज जो हमारे पास H है और हमारे पास G है, हम लिखेंगे Ag इसका सिंबल है। या कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है जिसको हम नाम देंगे सोडियम। और लिटर हमारे पास लैटिन वर्ड में नाम क्या है इसका? इसका नाम हमारे पास आएगा नेट्रियम। यहां लिखूं आपके लिए क्या चीज? सोडियम लिखूंगा, सोडियम इसका इंग्लिश नेम है, सोडियम इंग्लिश नेम है। और इसका जनाब अली हमारे पास जो नाम है किस इसका लैटिन वर्ड नेम हमारे पास क्या है? उसको हम नाम देंगे नेट्रियम। क्या चीज? नेट्रियम। इसके लिए सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे सोडियम का एन और हमारे पास ए जिसको शो करते हैं एन ए से। एक लास्ट भी एग्जाम्पल दूंगा, जैसे हमारे पास पोटाशियम है, क्या चीज है? पोटाशियम, पी ओ टी ए डबल एस आई यू एम, पोटाशियम। इसका जो हमारे पास लैटिन नेम है वो क्या चीज है? वो हमारे पास है खेलियम। नाम क्या है इसका? खेलियम इसका नाम है, ठीक। तो इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं के, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज थे? सिंबल्स के बारे में हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ। सिंबल्स, सिंबल क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे सिंबल्स जो हमारे पास है अब्रिवेशनल नेम्स हैं, इस्तेमाल करते हैं हम एलिमेंट्सों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो इनकी फर्स्ट लेटर से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनकी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से हमारे पास निकलते हैं एलिमेंट्स के नाम की, कुछ ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट एंड एनी अदर वन, कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे ग्रीक पीरियड में जिसको लैटिन नेम दिए गए हैं, सही है। इनको फिर इसी लैटिन लेटर से हम क्या बनाएंगे? इसके सिंबल्स बनाएंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाएगा। देन फिलहाल अल्लाह हाफिज़।